हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। सुबह के जो हैं वो 10:30 हो चुके हैं और आज के सीन कुछ ऐसे हैं, काम से छुट्टी है, थोड़ा घूमने फिरने भी जाएंगे, मौसम भी जो है वो भी काफ़ी प्यारा है। अभी मार्केट में जा रहे हैं कुछ ख़रीदने के लिए, घर का सामान थोड़ा जो है वो ख़त्म हुआ है तो वो ख़रीद के लाते हैं। और आज एक इंटरनेट पे मैंने मोबाइल देखा है, मोबाइल है आईफोन 11 मैक्स प्रो, तो उसको भी लेने जाना है, उसका व्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मार्केट में चलते हैं, मार्केट का सीन आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। बिस्मिल्लाह बरकत। चलिए पीछे ही रखो। तो गाइस, बेसिकली ये जो मेरी गाड़ी है इसको मैं अभी सेल कर रहा हूँ, तो इसको इंटरनेट पे मैंने लगा दी है और जब ये इंशाल्लाह सेल हो जाएगी तो मैं अपनी वो दूसरी वाली गाड़ी जो है ना उसको यूज़ किया करूँगा। इसको मैंने 2 साल यूज़ कर लिया है, अब दूसरी जो है वो ख़रीद लिया, दूसरी जो है अब वो चलाएँगे। गाड़ी जो है अभी पार्क कर दी है, ये मार्केट है मेरे पीछे, वो सामने लीडल। अभी भी जो है ना मैं उसका घर ही तलाश कर रहा हूँ। उसने कहा था कि पता नहीं इधर साथ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके साथ ही बिल्कुल उसके सामने जो है ना उसका घर है। तो अभी भी मैं उसका जो है घर ही देख रहा हूँ कि उसका घर जो है वो कहाँ है, और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो उधर तो मैं आ चुका हूँ, ये साथ ही है मेरे, ये कंस्ट्रक्शन का सारा काम चल रहा है और मेरे ख्याल से उसका ये घर है जहाँ से मैंने मोबाइल ख़रीदे, वो ये वाला घर है। दूसरी साइड से चलते हैं, पीछे जो घर देख रहे हैं ये वाला घर है और ये साथ ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसको मैं जो है अभी कॉल करता हूँ इधर साइड पे खड़े होके, तो उससे मोबाइल ले लेते हैं। हाय, गुड टाक, ich bin da, können Sie rauskommen? Genau, ich warte draußen. Genau, okay. अब मैंने उसे कॉल की है और वो जो है आने लगा है। यहाँ पे सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पीछे भी, तो अभी मैं वेट करता हूँ उसका। सो गाइस, ये जो जगह इन्होंने बनाई है ये सारी जो है ना पार्क प्लॉट्स है। यहाँ पे जिस तरह के देखें, इधर एक गाड़ी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी यहाँ पे पार्क प्लस, पार्क प्लस कहते हैं, पार्क प्लस कहते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं। तो अभी भी मैं स्टिल उसका वेट कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा है, कहते हैं मैं आता हूँ, तो चलें थोड़ा सा और वेट करता हूँ। क्या नाम? माय नेम इज बाइक स्टेल इन रामसबर्ग। तो गाइस, ये जो है ये एक टीवी बना रहे हैं, जो बूढ़े लोग होंगे ना वो रेडी के ऊपर इस तरह नीचे से जाएंगे, उधर से जो है ना उधर से ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो ये एक ढलान सी बना रहे हैं जिससे इजीली जो बुज़ुर्ग भी आदमी है ना, जो रेडियो के, ये बेसिकली मेरे पीछे जो है आल्तनाइम है, आल्तनाइम कहते हैं बूढ़ों के रहने वाली जगह, ओल्ड हाउस जिसे हम कहते हैं। तो ये उनकी पार्क प्लॉट्स और ये जो है एक वो बनाई जा रही है चढ़ाई नीचे को जाने के लिए। तो ये जो हैं ये अल्बानिया के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो माशाल्लाह इनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। हे गाइस, फाइनली जो है वो मैं मोबाइल लेके आ चुका हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ इसमें मुझे कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। और ये है जी आईफोन 11 प्रो मैक्स, ये मोबाइल है ठीक है, और इसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। अनबॉक्सिंग तो पहले से ही हुई हुई है लेकिन सेकंड हैंड ही जो है वो मैंने ख़रीदा है, इसकी प्राइस भी नॉर्मल ही थी लगी हुई। तो इसको चलें ओपन करते हैं। ओ, ये तो चल रहा है, ये तो अंदर ही चल रहा है, तो इसको भी माशाल्लाह बाहर निकालते हैं। ओ, ये तो नीचे गिरने लगा था। तो जी हाँ गाइज, ये मोबाइल है, देखें
अभी उन्होंने जो है वो रीसेट किया हुआ है। अभी इसके मैं जो है इसकी आईडी बनाऊंगा और आईडी इनपुट करूंगा और फिर ये जो है प्रॉपरली ऑन होगा। माशाल्लाह कंडीशन भी जो है वो बिल्कुल अच्छी है। अभी मैं आपको जो है ना बैक साइड से इसका व्यू दिखाता हूँ। और इसके साथ जो है मुझे एक ये केबल मिली है और इसके साथ एक छोटा सा चार्जर और ये बॉक्स, सिर्फ तीन चीज़ें। जो हैंड फ्री थी वो कह रहा था कि हैंड फ्री जो है वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हैंड फ्री मेरे पास पहले एक सेल फोन की पड़ी हुई है। तो चलें अभी इसका दूसरी साइड से आपको मैं रिव्यू करवाता हूँ। तो देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। तो जी गाइस, बैक साइड से कुछ इस तरह का व्यू है इसका। देखें माशाल्लाह कोई भी जो है वो खराश वगैरह नहीं है इसके ऊपर। अगर मैं इसको दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ, इस साइड से भी देखें कोई खराश वगैरह नहीं है, और इस साइड से भी जो है कोई स्क्रीन के ऊपर खराश वगैरह कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। तो माशाल्लाह इस साइड से भी जो है काफ़ी खूबसूरत है, कोई खराश वगैरह नहीं है। तो इसके साथ जो चीज़ें मिली हैं वो ये एक बॉक्स है, चार्जर है इसका, बस यही चीज़ें जो है मुझे तीनों इसके साथ जो है वो मिली हैं, ये वाली। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है, कोई मीन्स के वो नहीं है, स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है इसके ऊपर। देखें इस तरह से, देखें इसकी कंडीशन, माशाल्लाह। हे गाइस, इसकी कीमत जो है वो मुझे कितने का मिला है मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे सिर्फ 250 रुपये का जो है ना मिला है। यहाँ पे जर्मनी में एक ऐप है जिसका नाम है ईबे क्लाइनेंसाइगे, तो वहाँ से आप कोई भी चीज़ सेकंड हैंड यूज़ हुई, हर चीज़ डिटेल के साथ जो है ना वो लिखी होती है। तो अगर आपको भी कोई सेकंड हैंड मोबाइल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर मोबाइल जो दुकानें तो इतनी है नहीं है, अगर लेके जाते हैं तो प्राइस जो है बहुत हाई होती है, तो यहाँ पे इस तरह जो है ना लोग सेकंड हैंड ही अपनी चीज़ें उस ऐप पे लगा देते हैं। तो जिसको जो चीज़ चाहिए वो वहाँ से जाए, देखे, अगर पसंद आए तो उसको लिखे, मैं जो है ये चीज़ देखना चाहता हूँ, वहाँ जाए जिस तरह मैं गया हूँ, तो देखे, अगर चीज़ पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे जो है झूठ नहीं बोलते, जो चीज़ होती है वही लिखी होती है, वही आपको चीज़ देते हैं। हे गाइस, ये वाली ऐप है, अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो आपको पता होगा कि इस ऐप से ये जो लिखा हुआ ईबे क्लाइनेंसाइगे, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये कुछ इस तरह की होती है। तो इसके ज़रिए से आप कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, सबसे पहले आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, जिस तरह के ये सारी इधर आए हो वाइता कैटेगरी, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, गाड़ी को कुछ भी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल चाहिए, फॉर एग्जांपल मोबाइल की कैटेगरी में जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे ऑल इन इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे हर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर मैं खाली मोबाइल पे या इस तरह की जिस तरह ये एप्पल का टैबलेट लगा हुआ है, एप्पल का लैपटॉप है और 400 रुपये का लगा हुआ है, देखें तो इसकी जो कंडीशन है वो सारी आपको बता दी जाती है, जिस तरह ये सारी। और अभी इस कैटेगरी के अगर मोबाइल देख लें तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हैंडी एंड टेलीफोन, तो यहाँ पे सारे जिन जिन लोगों ने अपने अपने मोबाइल लगाए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे। तो आपके सामने है माशाल्लाह जो मैंने 250 रुपये का ये आईफोन 11 प्रो मैक्स लिया है, तो मुझे वो बिल्कुल ही काफ़ी स्मूथ, बहुत ही प्यारा लग रहा है। शेप भी माशाल्लाह ब्लैक कलर में है, बहुत ही प्यारा है। तो अभी इसको यूज़ करेंगे, तो खुला भी नहीं है, यहाँ पे चीज़ें खुली खुली इस तरह की कोई चक्कर वक्कर नहीं है, तो ये जो चीज़ दे लिखते हैं वही चीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।